बीइंग अ पार्टी मेंबर, ये भी हमारा एक परिवार है, तो इस नाते एक दिन घर आया, गाना गाया तो मुझे लगा अरे इसकी आवाज तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि गाना गाने वाला कोई भी अपने आप को, वो बाथरूम सिंगर ही क्यों ना हो, वो अपने आप को सुपरस्टार से कम नहीं समझता। बट दुनिया क्या समझती है। फिर हमने देखा कि एक बड़ा कलाकार है इस आवाज के पीछे। अब चूंकि यहां इस समय दिल्ली के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज बैठी हैं और हमारे परिवार का मुखिया भी यहां बैठे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली की गाना रिलीज हुआ है, इस रेस के भी प्रतिनिधि हरीश जी हैं। हरीश जी आप एक बार मंच पे आ जाइए, आप उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। हालांकि इस स्टोरी में और भी कई स्टोरीज हैं। हरीश जी आपको धन्यवाद। हरीश जी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे गाने का मौका दिया था 1996 में पहली बार। इनकी भी उम्र नहीं बढ़ रही है। हाँ, कमी होती जा रही है। और यहाँ पे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI जो आप लोग सुनते हैं, और मिलना कितनी बड़ी बात होती है, सामान्य नहीं है। और वो भी ये गाना टी सीरीज के मेन प्लेटफॉर्म पे है। आजकल बहुत बड़े बड़े सिंगर आते हैं तो चार्ट बस्टर पे आते हैं। इसके लिए मैं हरीश जी का और भूषण कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस लड़के के वॉयस को महत्व दिया। इसमें हमारे साथ अक्षरा सिंह ने और हमने काम किया। और इस फिल्म इसका जो गाना का म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी यहाँ उपस्थित हैं, अजय जायसवाल जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज अजय जी। अजय जी कहाँ हैं आप, जिन्होंने गाना म्यूजिक किया है। ये वाराणसी बेस्ड हैं और इस समय मुंबई में रहते हैं। अजय जायसवाल जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस एल्बम को जिसने प्रोड्यूस किया है वो सुरभि तिवारी हैं, वो भी मंच पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत बड़ा होता है। और हम लोग सुरभि तिवारी जी के पास स्ट्रगल करते रहते थे तो हम लोगों को चांस मिल गया इसमें। ये सुरभि जी हैं। और एक व्यक्ति जो इस पूरे इस एल्बम के बनने से लेके और सारी थॉट्स को एक अच्छे पूरे सारी चीजों को इकट्ठा करके देने की जो भूमिका निभा रहे थे उनका नाम है विष्णु मित्तल। तो विष्णु मित्तल को मैं चाहूंगा कि आप एक बार मंच पे आ जाइए। विष्णु जी जहां भी हो। और इस विष्णु मित्तल को मैं बहुत विष्णु मित्तल उनकी वाइफ को कहा है, आई है ना। नहीं, कितनी बार कई बच्चे का रिजल्ट आने वाला होता है तो माँ बाप छुप के बैठ जाते हैं, तो आप मंच पे आ जाओ। तो ये वो टीम है जिसने इस गाने को किया, बनाया और हमने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज को दिया और अब ये आपके सामने है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कृष्णा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे कृष्णा ने इसके पहले वेरी एक्साइटेड
एंड कॉन्फिडेंट, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है बिकॉज सो गाना रिकॉर्ड करने से लेके आज तक एक बहुत सारी फीलिंग्स हुई. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब लगा कि टी सीरीज से नहीं हो पा रहा शायद, फिर जब पता चला कि टी सीरीज, अंकल ने बहुत हेल्प करी कि टी सीरीज से हो रहा है, तो मैं मतलब रात को आई थिंक मैं मम्मी पापा सो रहे थे तो मैं भागते भागते गया था, उनको डरा दिया था मैंने कि टी सीरीज से हो रहा. एंड बहुत मिक्स फीलिंग है, नर्वस हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड बहुत थैंकफुल हूँ मनोज अंकल के लिए बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प करी. नॉट बिकॉज मैं विष्णु मित्तल जी का बेटा हूँ, बट बिकॉज ही सॉ द पोटेंशियल इन मी. उन्होंने देखा कि ठीक है मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में. सो दैट्स इट, थैंक यू. कुछ गाओ. तनहा हूँ मैं, तनहाई में खुद को कैसे. और यहाँ बैठे हैं हमारे गेस्ट, सबको मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, मीडिया बंधु को प्रणाम करता हूँ और टी सीरीज का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस गाने को अपने मेन चैनल पे रिलीज किया है. और जहाँ तक कृष्णा की बात है, कृष्णा बहुत ही टैलेंटेड है. जब इसकी वॉइस मैंने सुनी थी तो मुझे लगा था कि